हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलकाज हेल्थ किचन। आज अलकाज हेल्थ किचन में मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही यम्मी टेस्टी वेज पुलाव रेसिपी। आप इसे एक बार बनाएंगे, बार बार बनाना पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल और ये मैंने चंक्स ले लिए हैं, सोयाबीन चंक्स होती है। उन्हें 15 मिनट के लिए गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था नमक डाल के, और अच्छे से 15 मिनट बाद इनका पानी निचोड़ करके इस तरीके से गोल्डन फ्राई कर लिया है इन्हें मैंने अच्छे से। और अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। और अब इसमें मैं थोड़ा सा आधा चम्मच और रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और अब यहाँ पे मैंने 2 तरीके का जीरा ले लिया है, एक सादा वाला रेगुलर जीरा लिया है और एक शाही जीरा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच भर के सादा जीरा डाल दें और नहीं तो आधा आधा चम्मच भर के दोनों डाल दें। अब यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं और ये चक्रफूल है, स्टार अनिस, मैंने 2 डाले हैं इसमें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी दालचीनी और 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्ची, और ये बड़ी इलायची है काली वाली, इसे थोड़ा सा क्रश करके इसमें मैंने डाल दिया है। तो ये हमारे हो गए खड़े मसाले। और अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से लंबा लंबा स्लाइस में कट करके इसमें डाल दिया है, और ये 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया है, ना ही मैंने इन्हें काटा है, मैंने कूटने वाले से अच्छे से इन्हें क्रश कर लिया है, कूट करके इसमें डाला है। अब सभी को अच्छे से हम भून लेंगे और ऑनियन को अच्छे से ब्राउन कर लेना है, और 2 हरी मिर्ची को इस तरीके से लंबा कट करके मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची डाल दी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर, इस तरीके से कट कर लिया है मैंने, थोड़ी बड़ी बड़ी कट करी है, आप चाहें तो बारीक कट कर सकते हैं लेकिन बड़ी भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। और आधा कटोरी भर के हरी मटर डाल दिया है अब मैंने इसमें। ऑनियन को थोड़ा ब्राउन होने तक ही पकाएं, कच्ची ना छोड़ें। और अब इसमें मैंने डाल दिया है पनीर, सब्जी हमारी लगभग भुन गई थी तो अब इसमें पनीर डाल के पनीर को भी थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। पनीर भी हमारा भुन गया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कच्चा टमाटर है, ये 1 टमाटर है लेकिन थोड़ा कच्चा है और देसी है तो इससे खट्टापन आएगा। टमाटर की जगह आप इसमें कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच कर्ड डाल दें, दही डाल दें अगर टमाटर नहीं है, नहीं तो टमाटर भी काम वही कर देगा। और 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्ची पाउडर, और 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, मैंने 1 चम्मच से कम डाला है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। और थोड़ा सा पानी डाल के सभी को अच्छे से कर देंगे मिक्स, मसाले को अच्छे से पका लेंगे, फ्लेम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर, मसाले को अच्छे से हमें पका लेना है। और अब ये चंक्स जो हमने पहले सबसे स्टार्टिंग में भुनी थी उन्हें भी इसमें डाल के मिक्स कर देंगे जिससे सभी मसाले आपस में मिल जाएं। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। और ये 4 से 5 पुदीने की पत्ती, मिंट, मैंने इसमें डाल दिया है कट करके। और ये जो मैंने कप लिया है इसी के मेजरमेंट से मैंने चावल लिया है तो मैं इसमें ये 2.5 कप पानी डाल रही हूँ। और मैंने 1 कप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये चावल लिए थे, बहुत कम, मतलब 1 कप और थोड़े से ज़्यादा उससे ज़रा सा, तो मैंने 2.5 कप इसमें पानी डाला है। और ये बासमती राइस है, आप जो भी चावल यूज़ करते हैं बासमती ही यूज़ करें वैसे इसमें। अगर आप अच्छा खिला खिला पुलाव चाहते हैं, दावत का आता है या कोई भी ब्रांड जो भी आप यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे बासमती राइस को अच्छे से धुल लिया था और डायरेक्ट धुल करके इसे मैंने ऐसे ही डाल दिया, 10 मिनट के लिए इसे भिगो के नहीं रखा था। और 1/2 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला। अब इसे हम ढक करके 1 सीटी हाई फ्लेम पर ले लेंगे, और 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को हम कर देंगे एकदम से कम, और कम गैस पे 3 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। और 3 मिनट के बाद हम गैस को कर देंगे यहाँ पर बंद,
और अब देखिए एक विजल हमारी आ गई है, सीटी लग गई है। अब फ्लेम मैंने कर दी है कम, 3 मिनट के बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद। और जब इसकी सारी गैस खत्म हो जाएगी तब हम कुकर को खोल लेंगे, ढक्कन हटा देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा एकदम से हमारा पुलाव बनके तैयार हुआ है, आप कलर देख सकते हैं। तो एक सीटी हाई फ्लेम पर लेनी है और उसके बाद फ्लेम को कम कर देना है। कम करने के बाद 3 मिनट के लिए कम गैस पर ही पकाना है, उसके बाद फ्लेम को बंद करके उसे ऐसे ही छोड़ दें जब तक उसकी गैस नहीं निकल जाती। और ये देखिए हमारा यम्मी सा पुलाव बनके एकदम से तैयार हो गया है। अब इसे धनिया पत्ती से मैंने गार्निश कर दिया है और ये देखिए फाइनली हमारा पुलाव बनके एकदम से रेडी हो गया है, यम्मी सा एकदम से खिला खिला सा। और इससे जब भी आप सर्व करें तो इसके साथ वेज रायता बना लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं किस तरीके से बनता है वेज रायता। तो चलिए अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अलकाज हेल्थी किचन में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।